हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योति लैब ने अपने शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड रिकमेंड किया है उसकी अमाउंट और रिकॉर्ड डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹4 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। फ्रेंड, कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 150 के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 2.66% का डिविडेंड रिकमेंड किया है और यह डिविडेंड इनके शेयर होल्डर को तभी मिलेगा जब आने वाली AGM में इनके शेयर होल्डर के द्वारा अप्रूव किया गया। और यदि आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हुए तो कंपनी आपके बैंक अकाउंट में 4 अगस्त या उसके बाद डिविडेंड के अमाउंट डाल देगी। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने बुक क्लोजर डेट बताइए, देखिए 23 जुलाई 2021 से लेके 30 जुलाई 2021 तक इनकी बुक क्लोज रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड डेट बनी वो बनी फ्रेंड 22 जुलाई। तो यदि आपके डीमैट अकाउंट में 22 जुलाई को जो है शेयर होगा तभी आपको 4 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्स डिविडेंड डेट बनी वो बननी चाहिए थी 21 जुलाई, पर 21 जुलाई को है छुट्टी, इस दिन मार्केट बंद रहेगी, तो जो एक्स डिविडेंड डेट बनेगी वो बनेगी 20 जुलाई। और डिविडेंड के लिए जो लास्ट बाइंग डेट बनेगी वो बनेगी 19 जुलाई। तो फ्रेंड, यदि आपने जो है 19 जुलाई उससे पहले खरीदा तभी जो है 22 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में आ पाएगा और तभी आपको 4 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और फ्रेंड, यदि आपके पास जो है शेयर पहले से ही है और जो आपने 19 जुलाई को खरीदा है और आपको डिविडेंड चाहिए, तो आपने जो है शेयर एक्स डेट है 20 जुलाई या उसके बाद बेचना है, 20 जुलाई को बेचोगे तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके, थैंक्स।